और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की जारी गाइडलाइंस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार ने सभी मंदिरों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है, जिस पर विधायक ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब लोगों को पार्क और ढाबे में जाने की इजाजत है तो फिर मठ मंदिर में जाने पर क्यों रोक लगाई गई। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही है। जा सकते हैं कोरोना नियमों का पालन करते हुए, ढाबा में जा सकते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते हैं? फेस्टिवल हम अपना क्यों नहीं मना सकते हैं? आप पिछले साल कोरोना जब एक्सट्रीम पर था, अपने चरम पर था, ठीक उसी समय रोजा रमजान हुआ था, उसका गाइडलाइन देख लीजिए, और छठ का जो इलेक्शन के बाद हुआ छठ उसका गाइडलाइन देख लीजिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सबों के नेता है, एनडीए के नेता है, उनसे निवेदन किया है। कोरोना काल में रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए राजधानी रांची में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि रांची नगर निगम के साथ गैर सरकारी संगठनों ने भी मिलकर इस शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मेगा रक्तदान शिविर में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी रक्तदान किया और सभी लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। बताते चले कि कोरोना काल में किसी भी सरकारी और निजी अस्पतालों को रक्त की कमी से नहीं जूझना पड़े, इसलिए इस मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत टफ टाइम से समाज गुजर रहा है, अभी इस विपरीत परिस्थिति में मैं इस तरह संगठन और जो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ज्वाइंट जो एफर्ट है, काबिल तारीफ है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है, इससे बढ़कर पुण्य नहीं होता है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कैटेगरी में आता है। और इसी प्रति आप माननीय कृषि मंत्री जी, मैं और बहुत सारे सारे के माननीय लोग आए हैं, इसके लिए बोले वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे।